हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। मैं अरशद खान आज आपको बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि आपके सेकंड पेपर का है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो चैप्टर है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक चैप्टर है दृष्टिकोण और उपागम के बारे में कि लोगों में ने जो लोक प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं उसके प्रति उनकी दृष्टिकोण क्या है, इनके उपागम क्या है। जैसे कि तमाम सारे दृष्टिकोण है आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है वैज्ञानिक प्रबंध, और आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जो शास्त्रीय दृष्टिकोण है लोक प्रशासन का उसको। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर दृष्टिकोण और उपागम क्या है। तो दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त जो कसौटियां हैं और अनुसंधान के लिए ली गई आधार का सामग्री आती है। दूसरे शब्दों में दृष्टिकोण जो है उपागम, इसका अर्थ है कि मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने व छोड़ने का निर्णय किया जा सकता है, उसे हम दृष्टिकोण कहते हैं। किसी भी घटना या विषय के लिए, कोई भी घटना हो या विषय हो, उसके अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। यानी कि कोई भी पार्ट हो लाइफ का या कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा हो, उसको अध्ययन करना हो तो उसके लिए तमाम सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं। किसी भी उपागम की सार्वग्राह्य सब तथ्यों को अपने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और जिस घटना से कुछ लोग सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसी विवेचन या दृष्टिकोण के लिए करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे व्याख्या की चरम परिणति मानते हैं। वस्तुतः आधुनिक संगठन उपागम आज भी विकास की प्रक्रिया में है। संक्षेप में, निम्न विचारकों एवं विद्वानों ने संगठन का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया हुआ है। इन उपागमों सिद्धांतों को निम्नलिखित वर्गों में हम रख सकते हैं, यानी कि विद्वानों ने जो दृष्टिकोण है, जो देखने का नजरिया है, इसको तमाम सारे सिद्धांतों के आधार पर तमाम सारे उपागमों को अलग अलग डिफाइन करके रखा हुआ है। तो उपागम है क्या आखिर, आइए देखते हैं एक एक करके कि इतने सारे उपागम है। तो वैज्ञानिकों ने कुल 8 उपागम रखा हुआ है। आइए देखते हैं किस वैज्ञानिक ने, किस प्रबंध के क्षेत्र ने कौन से उपागम को रखा हुआ है। तो सबसे पहला उपागम है आपका शास्त्रीय उपागम। इसके सपोर्ट में हेनरी फेयोल, कुथर गुलिक और लिंडन उर्बिक, इन्होंने इस सिद्धांत का सपोर्ट किया, इस सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। और दूसरा है आपका वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, इसको फ्रेडरिक टेलर ने, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और तीसरा है आपका नौकरशाही उपागम जो कि मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित है। और चौथा है आपका मानवीय संस्थात्मक उपागम, यह एल्टन मेयो के द्वारा प्रतिपादित है। और पांचवा है आपका व्यवस्थावादी उपागम जो कि आपके बिस्टर वार्नट के द्वारा है। और छठा है आपका व्यवहारवादी उपागम जो कि हर्बर्ट साइमन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और सातवां है आपका सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम जो कि मैक ग्रेगर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और लास्ट है आपका पारिस्थितिक उपागम जो कि फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ये जो 8 है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शास्त्रीय उपागम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, मानवीय संस्थात्मकता किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको आप याद कर लीजिए। तो आगे हम जानने वाले हैं आज हम पहला जो इसका शास्त्रीय उपागम है, ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे, इसकी विशेषता, इसकी आलोचना किस आधार पर की गई है, वो सारा चीज आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, समाज शास्त्रीय जो शास्त्रीय उपागम है, इसके सपोर्ट में हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक और उर्बिक है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि शास्त्रीय उपागम आखिर है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। तो संगठन की जो शास्त्रीय विचारधारा है इसको पुरातनवादी विचारधारा, प्रतिष्ठित विचारधारा, परंपरावादी विचारधारा, औपचारिक विचारधारा या संरचनात्मक सिद्धांत के नाम से भी पुकारते हैं। यानी कि जो ये विचारधारा है, शास्त्रीय विचारधारा, इसको इतने सारे नामों के द्वारा हम पुकारते हैं, जानते हैं। संगठन का शास्त्रीय विचार इस सदी के प्रथम 2 दशकों में उदित हुआ, यानी कि पहले इस सदी, जो हमारी सदी चल रही है, इसके पहले 2 दशकों में यह सामने आया, हमारे प्रतिपादित हुआ। किंतु आज भी शास्त्रीय प्रबंध विचारधारा जो है वो प्रशासकों के में प्रदत्त रूप से विद्वान है। शास्त्रीय सिद्धांतों की सर्वाधिक विशेषता यह है कि इनकी संगठन सिद्धांतों के निर्माण के विषय में विशेष चिंता करते हैं।
शास्त्रीय विचारकों के संगठन में कार्य विभाजन पूर्ण करने के सच्चे आधारों को खोजने तथा कुशलता के लिए कार्य समन्वय के प्रभावी तरीकों को ढूंढने का प्रयास किया गया है। उन्होंने विभिन्न गतिविधियों तथा उनके अंतर संबंधों को सही परिभाषा पर बल दिया है तथा कार्य जो सुचारू रूप से कराने के लिए संगठन में कार्यरत लोगों के ऊपर अवरोधों तथा नियंत्रण पद्धति द्वारा सत्ता प्रयोग का सुझाव दिया हुआ है। यानी कि इस कार्य को करने के लिए किस तरह से किसी पर नियंत्रण रखा जाए, किस तरह से उनको थोड़ा सा ब्रेकर रखा जाए, अवरोध किया जाए, वो सारी चीजों का व्यवस्था आपको शास्त्रीय सिद्धांत में देखने को मिल जाएगा। जो आपका नेक्स्ट आगे है कि शास्त्रीय विचारकों के अनुसार संगठन मूलतः एक औपचारिक संरचना अथवा योजना है तथा कुछ सुनिश्चित सिद्धांतों की सहायता से विशेषज्ञ इस योजना का निर्माण ठीक उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार कोई वास्तुकार वास्तुकला के सिद्धांतों की सहायता से किसी भी भवन की योजना बनाता है। यानी कि इससे ये जो शास्त्रीय विचारक का सिद्धांत है ये उसी तरह कार्य करता है जैसे कि एक वास्तुकार है, एक कलाकार है, वो वास्तुकला के द्वारा किसी भी भवन का निर्माण कर सकता है, उसके लिए नए डिजाइन सोच सकता है। सिद्धांतों की सहायता से किसी भी यह दृष्टिकोण जो है वो दो धारणाओं पर आधारित है। कौन कौन सा है? प्रथम जो है वो संगठन के मौलिक सिद्धांत है अथवा आदर्श इतने सर्वविदित है कि किसी भी प्रकार के प्रयोजन अथवा कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना बनाना विशेषज्ञों के लिए संभव है। हेनरी फ्योल ने संगठन के 14 सिद्धांत बताए हैं जिनमें 5 को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। वो कौन कौन से हैं कि योजना, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण। ये 5 को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है जो उन्होंने 14 सिद्धांत दिए हैं उसमें। ये योजनाएं गुलिक एवं उर्विक फ्योल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। गुलिक ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पोस्ट कोर्व शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया है। पोस्ट कोर्व के रूप में कार्यपालिका के कार्यों की स्पष्ट करने के पश्चात गुलिक तथा उर्विक ने संगठन के उन सिद्धांतों को खोज करने का प्रयासों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जिनके आधार पर संरचना की जा सके। इस दृष्टि से संगठन के 8 सिद्धांत तथा लूथर ने 10 सिद्धांत तथा का उल्लेख किया है। उर्विक ने सभी संगठनों के क्रियान्वयन योग के 8 सिद्धांत बताए हैं। यानी कि जिसको हम क्रियान्वित कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? उन्होंने बताया है नंबर 1 उद्देश्य का सिद्धांत। नंबर 1 बताया उन्होंने उद्देश्य का सिद्धांत। दूसरा बताया कि अनुरूपता का सिद्धांत। तीसरा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। चौथा व्याख्या का सिद्धांत। पांचवा आपका नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत। छठा है आपका विशेषीकरण का सिद्धांत। सातवां है आपका समन्वय का सिद्धांत। आठवां है आपका परिभाषा या निर्धारण का सिद्धांत। तो ये थे उर्विक के द्वारा बताए गए 8 सिद्धांत जो कि क्रियान्वित हैं, जिनको हम एक्ट के रूप में लागू कर सकते हैं। इसके बाद गुलिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत 10 हैं। वो कौन कौन से हैं एक एक करके देखते हैं। गुलिक के सिद्धांत है कार्य विभाजन, विभागीय संगठनों के आधार, पद सोपन द्वारा समन्वय, स्वोद्देश्य समन्वय, समितियों के अंतर्गत समन्वय, विकेंद्रीकरण, आदेश की एकता, स्टाफ तथा सूत्र, प्रत्यायोजन, नियंत्रण का क्षेत्र। हर्बर्ट साइमन ने इस पर अपने विचार देते हुए लिखा है, जो इन्होंने 10 सिद्धांत दिए हैं इस पर विचार करते हुए हर्बर्ट साइमन ने लिखा है कि समाजशास्त्रीय संगठन की कुछ की कटु आलोचना करते हुए कहते हैं कि शास्त्रीय सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं होता कि किस विशेष परिस्थिति में कौन सा सिद्धांत महत्व देने योग्य है। यानी कि हर्बर्ट साइमन ने इस पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि जो इन्होंने 10 सिद्धांत दिया है या उन्होंने 8 सिद्धांत दिया हुआ है, इस सिद्धांत में यह स्पष्ट नहीं हो पाता या क्लियर नहीं हो पाता कि कौन सी परिस्थिति में किस सिद्धांत को ज्यादा महत्व दिया जाए, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को प्रशासन की कहावत मात्र माना है। सुब्रह्मण्यम ने यह कहा है कि सभी शास्त्रीय विचारकों को अपने सिद्धांत में प्रबंध की ओर झुकाव प्रदर्शित होता है। ये केवल प्रबंध की समस्याओं के विषय में
चिंतित थे, ना कि प्रबंध तथा व्यक्तियों से संबंधित अन्य संगठनात्मक समस्याओं से। इस सिद्धांत की व्यक्तिपरक कहकर भी इसकी आलोचना की गई है, यानी कि सिद्धांत को व्यक्तिपरक कहकर के, यानी किसी व्यक्ति के लिए ठीक किसी व्यक्ति के लिए गलत, ये कहकर के भी इसकी आलोचना किया गया है, क्योंकि यह एक संकुचित विचारधारा है जो व्यक्तियों को संगठन में उनकी साथियों से अलग रख करके निरीक्षण करता है, यानी कि किस किस का कौन सा विचार है, क्या सोचते हैं, ये रख करके विचार करता है। यह कार्य करने वाले मानवों की अपेक्षा कार्य के विषय में अधिक चिंतित होते हैं, यानी कि इस तरह का जो कार्य करते हैं वो मनुष्य से ज्यादा अपने काम के पीछे चिंता करते हैं और मनुष्य की वो चिंता नहीं करते हैं। इसने मानव तत्व का मानव तथा मानव व्यवहार को कम महत्व दिया है। यह व्यक्ति को संगठन का केवल एक पुर्जा, एक पार्ट मानता है। इस विचारधारा से औपचारिक संगठन का जन्म होता है, यानी कि इस विचारधारा से जो संगठन बनता है वह केवल औपचारिक होता है, वो दिल से जुड़े नहीं होते हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शास्त्रीय सिद्धांत से संगठन के संबंध में कुछ निश्चित विचार उभर करके सामने आए हैं, जो इस प्रकार है, यानी कि इतनी सारी भले ही आलोचना उसकी हो, उसकी कमियां हो, लेकिन इसके बावजूद जब से समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है उसके बाद से ही कुछ निश्चित विचारधाराएं उभर करके सामने आई है इस क्षेत्र के बारे में। वो कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। नंबर एक है कि शास्त्रीय विचारकों ने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रशासन एक ऐसा कार्य है जिसकी त्रुटिपूर्वक खोज आवश्यक है, यानी कि इन्होंने यह विचार लोगों के बीच में लाया कि प्रशासन कोई ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीज नहीं है, इसमें भी त्रुटियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, और उन गलतियों को सुधारना आवश्यक है, क्योंकि इससे पहले लोग तानाशाह की तरह कार्य करते थे कि प्रशासन में है तो उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन जब से शास्त्रीय विचारधारा आया तब से ये क्षेत्र और भी अधिक सुदृढ़ होता चला गया, लोगों को इनकी त्रुटियां सामने आने लगी और उसको जो आवश्यक है उसकी त्रुटिपूर्णियों को खत्म करने की, उसकी जो त्रुटियां हैं उसको खत्म करने के लिए बहुत जोर दिया गया। दूसरा क्या था, दूसरा था दोस्तों प्रबंध तथा संगठन की समस्या के विषय में लोगों को सोचने तथा संलग्न करने के लिए विवश करना भी व्यवहारिक उपलब्धि है, यानी कि संगठन के बारे में जो संगठन की प्रॉब्लम्स है उसके बारे में लोगों को सोचने के लिए मजबूर करना, लोगों को सोचने पर विवश करना भी इसकी एक बड़ी उपलब्धि है। और तीसरा है कि इससे सत्ता, उत्तरदायित्व तथा प्रत्यायोजन के विषय में एक स्पष्ट चिंतन की शुरुआत हुई, लोगों के बीच एक स्पष्ट चिंता का विषय बना। नेक्स्ट है कि कुछ सीमा तक औद्योगिक संगठन में उत्पादन को संगठन का आधार बनाने तथा बढ़ाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि कुछ हद तक औद्योगिक संगठन में जो उत्पादन को संगठन का मेन पार्ट बना दिया गया कि जितना ज्यादा उत्पादन होगा वो उद्योग के लिए उतना ही अच्छा है, तो इस विचारधारा को भी बनाने में शास्त्रीय सिद्धांत का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और पांचवा है कि शास्त्रीय सिद्धांत की सीमाओं और कमियों में ही संगठनात्मक व्यवहार में अधिक जो अनुसंधान का मार्ग है उसने ही प्रस्तुत किया, यानी कि जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है उसकी सीमाएं, उसकी जो कमियां है उसको निकाल कर, उसको सही करके उसको एक सुदृढ़ रूप देने का कार्य भी शास्त्रीय सिद्धांत ने किया है। तो ये थे दोस्तों शास्त्रीय सिद्धांत के कुछ क्वालिटियां, उसके कुछ अच्छाइयां, उसकी कुछ विशेषताएं और उसकी आलोचनाएं हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।